जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका यह भाग चार है और तीन भाग अपलोड हो चुके हैं YouTube चैनल पर SP क्लासेस में, तो वह भी आप देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह बाल विकास से संबंधित, जो MP TET वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों भी यह वीडियो देख सकें और उनको भी यह लाभ हो सके। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ऐप में आप सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो टेलीग्राम ऐप से आप अवश्य जुड़ें, और टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी मटेरियल सभी विषयों से संबंधित आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है। तो आपको अगर आपसे बनता है आंसर तो आप कमेंट में भी आंसर बताते जाएं। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है तो किससे है प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध? शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है जो वह है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, या ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती है, या किसी संगठन अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, या कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए अनौपचारिक शिक्षा क्या होगा इसका आंसर। चार विकल्प आपके सामने हैं, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताते जाना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कठिन प्रयास के बावजूद सफलता ना मिलने पर मैं इसे सदा ले लिए जे लिए भूल जाना चाहता हूँ, सब भाग्य का खेल मानता हूँ, या पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, या आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर तीन, विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, नए उत्साह के साथ प्रयास करूँगी, मगर कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर भी अपन जो है वह पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करेंगी। अगला क्वेश्चन है आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, या व्यर्थ में धन की बर्बादी है, या प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रजातंत्र स्वस्थ की निशानी, यानी कि विकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या पसंद करेंगे? तो जल्दी से बताइए, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, या शिक्षण को रोचक बनाएंगे? तो इसका जो आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, या मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा, या अच्छे साहित्य द्वारा? तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर?
जल्दी जल्दी से आप कमेंट में बताते जाइए। अब आपसे जो भी क्वेश्चन का आंसर बनता है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मानसिक कारणों की उचित वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालय में, या विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 3, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, तो क्या है उचित जल्दी से बताइए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक उचित है, एक शिक्षा को शिक्षक को उचित है, तो क्या है, कहानी कहना, या श्याम पट्ट का प्रयोग, या चर्चा करना, या प्रश्न पूछना। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। 138वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कोचे थे कि वह प्रश्न पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, या व्यवहारिक विकार से, या पठन विकार से, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको कमेंट में आंसर बताना है। डिसलेक्सिया संबंधित है तो इसका आंसर है पठन विकार से। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो क्या होगा इसका सही आंसर। 140वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उसी उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। या अगला क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या होगा इसका सही आंसर। समन्वय शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर, सॉरी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है, तो किसके द्वारा होता है, कक्षा निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, या ये सभी। तो जल्दी से बताइए, 142वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है तो इसका आंसर होगा ए सभी। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, और अनुशासन में। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो कौन सा प्रावधान किया जा सकता है, मुख्य धारा में डालकर, या समावेश शिक्षा द्वारा, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर जल्दी से आपको बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है,
तो इसका जो सही आंसर है वह है समावेशित शिक्षा द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? छात्रों को अनुशासित करना या समाज सुधार करना, छात्रों को गुरु भक्त बनाना या बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर चार, बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। विकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या होगा? विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है अभिभावकों का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, सही मार्गदर्शन का अभाव या छात्र संघ का प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है वह है सही मार्गदर्शन का अभाव। विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर तीन, जो विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का जो मुख्य कारण है वह है सही मार्गदर्शन का अभाव। जो मार्गदर्शन है वह सही नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का अभाव भी पड़ता है, उनके व्यवहार पर, समाज में उनके पद का या उनकी शिक्षा का या उनकी आदतों का। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है उनकी शिक्षा का, उनकी शिक्षा का। विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्र के व्यवसाय का चयन, व्यवसाय चयन पर माता पिता का अभाव भी पड़ता है उनकी शिक्षा पर। विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, शिक्षा में विचार विमर्श द्वारा, चित्रकारी और रंग भरने से या अलग हटकर सोचने की क्षमता से। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर चार, अलग हटकर सोचने की क्षमता से। चार, विकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? तो आपको आंसर बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी शिक्षक बनेंगे तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव करने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? तो तटस्थ रहेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर तीन, विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षा को व्यवसायमुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा या समय और धन का सदुपयोग होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर तीन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल समूह से बालक सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, खेल समूह से बालक सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष या ये सभी? जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है ये सभी। विकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा, सहयोग भी, प्रतियोगिता भी और संघर्ष भी। खेल समूह से बालक सीखता है यह उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है तो क्या है आवश्यक? जल्दी से बताइए, माता पिता की सहायता, साथियों की सहायता या सप्रयत्न या अध्यापक की सहायता? क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर बताना है आपको। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर तीन, विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, सप्रयत्न इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है तो इसका जो आंसर है वह है
प्रतिमाह मूल्यांकन हो, प्रतिमाह मूल्यांकन हो विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है, तो प्रतिमाह मूल्यांकन हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक बन रहे हैं, तो क्या है इसका सही आंसर। शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, तो क्या है आपका विचार। इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, या कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, या हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 153 का, तो इसका जो आंसर है वह है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीनता हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या आप उसको दंड देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उसकी समस्या को समझने का आप प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। अगला क्वेश्चन है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे, तो जल्दी से बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 156 का, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगी। अभिभावकों को सूचना देकर, या प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थी की सहायता से, या अतिरिक्त समय देकर। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त समय देकर कमजोर विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्याम पट्टे को शिक्षण समाधान सामग्री शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर। दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन या उपरोक्त सभी, तो जल्दी से बताइए। 197 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब कि दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन और श्रव्य साधन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा है यहाँ पर, नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समाज स्तर, समझ स्तर, या विभेदीकरण स्तर, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 4, विभेदीकरण स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, या प्राधानाध्यापक केंद्रित, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है जो वह है शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट में बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। मनोचित्रण का संदर्भ है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्मयोजना, या अर्थग्रहता को बढ़ाने का एक तकनीक, मन के प्रकार का अन्वेषण, मन का चित्र खींचना, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी,
विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुचित्रण का संदर्भ है मन के प्राकार का अन्वेषण, मन के प्राकार का अन्वेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और अन्य लोगों को भी यह लाभ हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, आप PDF वहाँ पर मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल सभी विषय संबंधित उपलब्ध है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, और फेसबुक पेज को लाइक करना भी ना भूलें। फेसबुक में आप सर्च करें SP क्लासेस यूट्यूब चैनल, यहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकती हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। हम निरंतर ही ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।